सो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो अभी मैं आई हूँ मार्केट पे क्योंकि मुझे लेना है फिर से सब्जी, आलू, ओनियन एंड ऑल। तो आप लोग वीडियो में बने रहो गाइस। हियर यू कैन सी दिस इज द प्याज एंड आंटी जो बोल रहा है कि पर किलो इज 50 रुपीज। और ये आलू जो आपने कितना बोला था, 2 किलो में 70, तो यानी कि 1 किलो में आपने लगाया 35 रुपीज। वहाँ में भी 35 बोल रहा था, यहाँ में भी 35, तो यहाँ से हम ले लेगा गाइस। तो 2 किलो लेगा, ले लेगा हम सामान। ये लानी लेगा अंकल हो जाएगा क्योंकि अंदर में ना बहुत तान है, तो इसलिए अंदर में जो बहुत रफ है इसलिए हम नहीं लेगा। बेसि तान से निकी तो हो जाब, अपने बेलेग टाइम फ्रेश वाला आने वो तीन मैं लो कमती हुए क्या। सो देख सकते हो गाइस, बहुत ज़्यादा जंगल हो चुका है फिर से। तो थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ में सफा कर रहे हैं, देख सकते हो। तो ये पोर्शन को मुझे पूरा कंप्लीट करना है। ये वाला पोर्शन तो लास्ट टाइम मैंने सफ़ा किया था लेकिन फिर से उग रहे थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके ना। ये ग्रास आप लोग देख सकते हो, थोड़ा पहले मैंने फिर से ऊपर ऊपर में जो उड़ रहा था ना बड़ा बड़ा वाला, उसको मैंने फिर से काट लिया है। देख सकते हो इतना मैंने कंप्लीट कर लिया है, यहाँ में जमा कर दिया, कल ही मैं फेंकूँगी। और ये साइड का भी रह गया। गॉड मेरा हाथ पूरा बहुत ज़्यादा गंदा से दर्द दे रहा है, जो मेरा दोनों शोल्डर ना, क्योंकि कंस्टेंटली वो साइड का ये साइड का दोनों साइड में हम मैनेज कर रहे हैं साफ़ होने के लिए। मेरा फियांसे होने से तो हम दोनों साथ में साफ़ कर देना था लेकिन अभी वो भी नहीं है और हम नहीं करने से भी नहीं होता है गैस। तो हर तरफ में देखना पड़ता है यार, इस तरफ सफ़ा करने से उस तरफ गंदा होता है, उस वो साइड का साफ़ करने से फिर यहाँ गंदा होता है। मेरे को ना समझ में नहीं आता है। आई थिंक यार यहाँ से जल्दी मुझे निकलना पड़ेगा, दूसरा रूम शिफ्ट करना पड़ेगा होगा। सो गाइस अभी है मेरा फिर से लंच ब्रेक एंड मैं घर पे पहुँच चुकी हूँ। आई मीन टू से आई एम एट माई रूम, लंच के लिए मैं आई हूँ घर पे। एंड क्या कल आप लोग ने देखा था गाइस, जो ग्रास मैंने काट रहा था ना वो अभी तक कम्प्लीट नहीं हुआ है, तो उसको अभी मैं कंप्लीट करने जाऊंगी गैस क्योंकि बहुत ज़्यादा जंगल हो रहा है। सबसे पहले तो मैं किचन का बैग को साफ़ा करूंगी, फिर उसके बाद आगे की ओर मैं साफ़ करने जाऊंगी गैस क्योंकि पीछे साइड से ही मैं ज़रा अप डाउन करती हूँ, तो जहाँ से आप भी अप डाउन करते हैं वो वाला प्लेस जो साफ़ होना है। तो चलो आप लोग को मैं अभी फिर से दिखाने वाली हूँ आगे पीछे दोनों साइड का, अभी मैं ग्रास एंड ऑल कैसे करके साफ़ा करती हूँ दिखाने वाली हूँ गैस। और आप लोग को सिखाने के लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए। माय कंटेंट, माय व्लॉग, माय चैनल इज ऑल अबाउट लिविंग अ वेरी सिंपल लाइफ। खुद से ही मैं बना के खाती हूँ, खुद से मैं मेहनत करती हूँ हर चीज़, एवरीथिंग। आई एम नॉट डिपेंडेंट अपॉन माय पेरेंट्स, आई एम जस्ट अ सिंपल गर्ल, खुद के ऊपर ही मैं डिपेंड करती हूँ गैस। तो चलो मेरा व्लॉग अच्छा नहीं लगने से भी आप लोग जरूर वीडियो में बने रहो और प्लीज़ डोंट स्किप, अगर स्किप करेगा तो आप लोग मिस करेगा क्या क्या हुआ था व्लॉग पे। ये देखो गाइस मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, अभी साफ हो चुका है। और नहीं सकेगा यार, बहुत ज़रा गर्म लग रहा है और पसीना देखो कैसे छूट रहा है। मेरा ये जो शोल्डर दोनों है बहुत ज़रा दर्द देता है, अगर ये शोल्डर दोनों दर्द नहीं देने से कंटिन्यू करना था अभी तो वाकई में हम नहीं सकेगा गाइस, और नहीं सकेगा। ओह माय गॉड, बहुत ज़रा गर्म लग रहा है यार, बहुत ज़रा गर्म।
प्लस मच्छर तो इतना ज़्यादा है ना। पीछे साइड का मैंने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन ये जो फ्रंट साइड का है कंप्लीट नहीं हुआ। इसको मैं अभी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरा ये दोनों शोल्डर बहुत गंदा से पेन हो रहा है गाइस। तो मैं भी टुमोरो डे आफ्टर टुमोरो देख लूँगी, जब भी मैं फ्री होती हूँ साफ करती रहती हूँ। तो लेट्स सी कब अच्छा वाला समय मिलेगा, फिर ये सब साफ कर दूँगी। थक गया यार, बहुत गंदा से थक गया। आप लोग सोच रहा होगा इतना इतू सा करके कैसे थक गया उल के। अरे यार यूज टू नहीं है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि हर चीज़ में मैनेज कर सकूं। हर चीज़ में अगर आप मेहनत करते हो तो बैठने के लिए भी अच्छा लगता है। बिना मेहनत किए आप कहीं भी जाओ यार अच्छा नहीं लगता है। तो मेरा ये जो कंटेंट है, माय चैनल इज़ ऑल अबाउट लिविंग अ वेरी सिंपल वाला लाइफ, कुकिंग ईटिंग वही है गाइस। पूरा हाई फाई वाला मैं नहीं दिखाती हूँ अपना व्लॉग पे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोग को पहले भी बताया था कि मेरा जो व्लॉग है ना बहुत सिंपल होने वाला है। डेली लाइफ स्टाइल में जैसे बैठती हूँ, मैं जो भी हूँ वही मैं आप लोग को दर्शाती हूँ, आई मीन टू से मैं खुद को दिखाती हूँ गाइस। तो आप लोग हमेशा सपोर्ट करते रहना, और मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मैं जो भी हूँ जैसे भी हूँ आप लोग मुझे एक्सेप्ट करें द वे आई एम। दूसरा का वजह से मेरा व्लॉग आप लोग मत देखो, मेरा तकलीफ मेरा मेहनत को देख के मेरा जो आइडेंटिटी है, मैं जो भी हूँ जैसे भी हूँ वो चीज़ को आप लोग नज़रअंदाज करके मुझे सब्सक्राइब करें, ना कि दूसरा के कहने पर आप मुझे सब्सक्राइब कर दोगे फिर मेरा वीडियो जो भी अपलोड होगा आप नहीं देखोगे। तो सब्सक्राइब करके क्या फ़ायदा गाइस। तो अभी बहुत ज़रा मैं थक गई हूँ गाइस, अभी फिर से लंच प्रिपेयर करने जाना है। कोई नहीं है, आई एम लिविंग ऑल अलोन, तो आगे पीछे एवरीथिंग मुझे ही देखना पड़ता है, पूरा मेरा सर पे बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग, मैं जो भी हूँ जैसे भी हूँ मेरा ब्लॉग में जो भी मैं पेश करती हूँ आप लोग उसको एक्सेप्ट करें, और ख़ास करके मुझे एक्सेप्ट करें द वे आई एम गाइस। यहाँ देख सकते हो बहुत ज़रा सब्जी निकला है, तो इसको तोड़ के मैं लेके जाऊँगी अभी। मुझे सब्जी तोड़ने में बहुत अच्छा लगता है गाइस। अभी सब्जी पकाने के लिए भी नहीं है, तो इमरजेंसी में मुझे यहाँ से तोड़ना पड़ रहा है। आप लोग गंदा है बोल के जज मत करो, इसको हम अच्छा से धुलाएगा गाइस। ये अगर मैंने सिर्फ आलू ही लाया था तो आलू के साथ मैं फ्राई करूँगी इसका। तो मुझे इतना सब्जी मिल चुका है, अभी मैं इसको पकाऊँगी विथ पोटैटो। ये रहा मेरी आलू की सब्जी, ये पक के रेडी हो चुका है। और ये जो पत्ता तो आप लोग देख ही सकते हो, इसको मैंने थोड़ा सा तोड़ के लाया था, मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो दिस इज़ आलू ग्रेवी बोलेगा, हम फ्राई बनाएगा हो गया सोचा था, लेकिन सूप के लिए कुछ भी नहीं था। सो गाइस देख सकते हो कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा, तो मैंने पानी भी डाल दिया। सो दिस इज़ आलू ग्रेवी आई मस्ट से। और यहाँ पे अभी मैं बनाने वाली हूँ ऑमलेट। सो ये रहा ऑमलेट, डायरेक्ट यहाँ में जाएगा। ओ सॉरी गाइस, सबसे पहले तो मैं डालने वाली हूँ एम ऑयल। और ये देख सकते हो मेरा ऑमलेट को क्या हो गया पता नहीं। कपड़ा भी मैंने एक बकेट धो लिया है, इसको अभी मैं सुखाने जाऊंगी गाइस। तो गाइस अभी हो गया है फिर से इवनिंग के वक्त, एंड ये व्लॉग को मुझे एडिट भी करना है। आई होप आप सभी लोग को ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर चैनल पर नया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। मेरा ना वॉइस बहुत यू नो एनर्जी बहुत लो फील हो रहा है, क्योंकि आप लोग ने देखा है कि कैसे करके मैं मैनेज कर रही थी ग्रास एंड ऑल साफ करना, फिर ग्रास को कैसे सेक में आई मीन जैसे बस्ता में उठा के फेंकने गई थी,
उसके बाद जो है मैंने लंच भी प्रिपेयर किया था, आप लोग ने देख ही चुका है कि मैंने क्या प्रिपेयर किया। तो आई होप ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा वाकई में। तो मिलते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट ब्लॉग पे। एंड जो लोग नया है फिर से मेरा चैनल को सब्सक्राइब करते जा रहा है आ रहा है, तो आप सभी लोग को थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई यूट्यूब चैनल। आप लोग हमेशा सपोर्ट करते रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे गाइस, बाय बाय।